ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਟਨੈਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਡਾਊਟਨੈਟ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਥ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ, ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਊਟਨੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। Hello everyone, the question says if 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A or not. Ta sanu given hai ki 3 cot A is equals to 4, asi ye check karna hai ki 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A cos square A minus sin square A de barabar hai ya nahi hai. Ta asi likhde ha 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, ते सानू प्रूफ की करना है 1 माइनस टैन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। तो सानू दिता हुआ है 3 कॉट ए इज इक्वल्स टू 4, तो हूँ असी 3 नू राइट हैंड साइड लेके जावांगे तो की आऊंगा साढ़े को कॉट ए इज इक्वल्स टू 4 बाय 3। तो हूँ साढ़े को एक एंटिटी होंगी है, आप कॉट ए नू लिख सकते हाँ 1 डिवाइडेड बाय टैन ए। कॉट ए ते टैन ए दोनों एक दूजे के इनवर्स होंगे ने, तो असी कॉट ए नू लिखांगे 1 डिवाइडेड बाय टैन ए इज इक्वल्स टू 4 बाय 3। हुण असी दोनों साइड रेसीप्रोकल करांगे तो टैन ए उपर जाऊंगा तो इधर की आऊंगा साढ़े को 3 बाय 4। तो हुण टैन ए साढ़े को हुंदा है पी बाय बी जिथे पी हुंदा है साढ़े को परपेंडिकुलर ते बी हुंदा है साढ़े को बेस। असी इन्हां दोनों इक्वेशनस नू देखिए तो पी बाय बी किस दे इक्वल आऊंगा 3 बाय 4 दे। तो असी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर की है साढ़े को 3 ते बेस की है साढ़े को 4। तो हुण असी ट्रैंगल बनावांगे लैट ए अपनी ट्रैंगल हैगी है ए बी सी ते जिहड़ा साडा ए एंगल है यह हैगा 90 डिग्री ते ए सी की है साडा परपेंडिकुलर ते ए बी की है साडा बेस। तां परपेंडिकुलर सानू की दिता होया 3 यानी कि ए सी की है साडे कोल 3 ते ए बी सानू दिता होया 4 तां ए बी की है साडे कोल 4। सो हुण असी इस ट्रैंगल ते पाइथागोरस थ्योरम लगा के बी सी फाइंड करांगे यानी कि असी हाइपोटीन्यूज फाइंड करांगे। तां पाइथागोरस थ्योरम साडे कोल की कहिंदी है के हाइपोटीन्यूज का स्केयर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस का स्केयर। सो हाइपोटीन्यूज स्केयर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्केयर, परपेंडिकुलर की है साढ़े को 3 यानी कि 3 का स्केयर प्लस बेस का स्केयर, बेस की है साढ़े को 4 यानी कि 4 का स्केयर। तो एच स्केयर की आऊँगा साढ़े को 3 का स्केयर की होंगे 3 3 का 9 प्लस 4 4 का स्केयर की होंगे 16। सो एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 25। तो हूँ असी एच की आऊँगा साढ़े को स्केयर असी इधर लेके जावे तो की आऊँगा रूट 25। तो जब असी 25 का रूट करते हैं तो की आता साढ़े को 5, तो एच की आया साढ़े को 5। हूँ एच की सी साढ़े को बी सी यानी कि हाइपोटीन्यूज, तो असी लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल्स टू 5। तो हूँ असी साइन ए की वैल्यू फाइंड करा, साइन ए की आऊँगा साढ़े को साइन ए हुंदा है साढ़े कोल पी बाय एच यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटीन्यूज। हुण परपेंडिकुलर की सी साढ़े कोल 3 ते हाइपोटीन्यूज की सी साढ़े कोल बी सी, बी सी दी वैल्यू की आई है 5। तो साइन ए की आऊँगा साढ़े कोल 3 बाय 5 ते कॉज ए दी वैल्यू फाइंड करांगे, कॉज ए की हुंदा है साढ़े कोल बी बाय एच यानी कि बेस
डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस की सी साडे कोल 4 ते हाइपोटेन्यूज की है साडा 5, यानी कि आऊंगा 4/5। ते हुण सानू प्रूफ की करना सी, 1 माइनस टैन स्केयर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्केयर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर ए। तां हुण असीं इस आइडेंटिटी च टैन ए साइन ए ते कॉस ए दी वैल्यूज पुट करांगे, तां की आऊंगा 1 माइनस टैन स्केयर ए। हुण टैन ए की सी साडे कोल 3/4, तां की आऊंगा साडे कोल 3/4 दा स्केयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्केयर ए, यानी कि टैन ए दी वैल्यू की सी 3/4, यानी कि 3/4 दा स्केयर इज इक्वल्स टू कॉस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर ए। कॉस ए की है साडे कोल 4/5, यानी कि 4/5 दा स्केयर माइनस साइन स्केयर ए। साइन ए दी वैल्यू साडे कोल 3/5, यानी कि 3/5 दा स्केयर। तां हुण असीं इस आइडेंटिटी नूं सॉल्व करांगे, तां की आऊंगा 1 माइनस 3/4 दा स्केयर की आऊंगा साडे कोल 9/16, ते 1 प्लस 3/4 दा स्केयर फिर तो 9/16 इज इक्वल्स टू 4/5 दा स्केयर होऊंगा साडे कोल 16 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 3/5 दा स्केयर 9/25। तां अगे की आऊंगा, असीं दोनों उपर नीचे दोनों पासे एलसीएम लवांगे, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਐਲਸੀਅਮ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਮਾਈਨਸ 9 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ, ਫਿਰ ਐਲਸੀਅਮ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16, ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਪਲੱਸ 9 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਇੱਧਰ ਐਲਸੀਅਮ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25, ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਮਾਈਨਸ 9। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 16 ਮਾਈਨਸ 9 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 7, ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ 7 डिवाइडेड बाय 16 होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 होगा साडे कोल 25 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9 7 डिवाइडेड बाय 25। ता इस टर्म नु असीं किवें लिख सकते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 25। सो 16 कैंसल, ता की आऊंगा 7 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 25। ता साडा लेफ्ट हैंड साइड किस दे इक्वल आया, राइट हैंड साइड दे। ता लास्ट च असी लिखांगे 1 माइनस टैन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। तो साडा क्वेश्चन इत्थे खत्म हुंदा है। सो थैंक यू एवरीवन।